नमस्कार, मैं हेमंत वर्मा और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोफेशनल। आज जानेंगे गेहूं में लगने वाला जड़ माहू यानी रूट एफिड की पहचान और इसकी रोकथाम करने के उपाय के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। यह काले भूरे रंग का रस चूसक कीट है जो गेहूं, चना, मसूर, धान आदि फसलों की शुरुआती अवस्था पर जड़ों पर आक्रमण करता है। यह जड़ से रस चूसकर पौधे को कमज़ोर कर देता है। इससे अधिक प्रभावित पौधों की पत्तियां पीली रंग की हो जाती है। पौधे को उखाड़कर देखने पर इसकी जड़ों में यह काले भूरे रंग का कीट साफ दिखाई देता है। इसकी समस्या उन क्षेत्रों में दिखाई देती है जहां तापमान और नमी अधिक होती है। देश में दक्षिण मध्य प्रदेश और उसके आसपास का क्षेत्र इस कीट से अधिक प्रभावी रहता है। इसके अलावा अगेती बुआई यानी 15 अक्टूबर से पहले गेहूं की बुआई करने पर इस जड़ माहू कीट का प्रकोप अधिक देखा गया है। कीट के नियंत्रण के उपाय। जड़ माहू को कई तरीकों और कीटनाशी से नियंत्रित कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है स्प्रे के माध्यम से। इसमें थायोमेथोक्सोम 25WG को 80 ग्राम या इमिडाक्लोरपीड 17.8 SL 100 ml या फिप्रोनिल 5SC 500 ml प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर एक एकड़ खेत में स्प्रे कर दें। क्योंकि यह कीटनाशी सिस्टमेटिक है, इसलिए पूरे पौधे से मौजूद अन्य कीटों को भी नष्ट करती है। स्प्रे करते समय ज़मीन में नमी होना आवश्यक है, या फिर खाद देते समय भी जड़ माहू का नियंत्रण किया जा सकता है। इसके लिए 50 किलो बालू रेत या 50 किलो यूरिया के साथ 500 ml फिप्रोनिल 5SC या 250 ml थायोमेथोक्सोम 30FS या 200 ml क्लोरोपायरीफॉस 50EC या फिर 100 ग्राम फिप्रोनिल 40 प्लस इमिडाक्लोरपीड 40WG कीटनाशी को अच्छी तरह से मिलाकर एक एकड़ की दर से खेत में बिखेर दें और उसके तुरंत बाद सिंचाई कर दें। जहां यह समस्या हर साल देखी जाती है, वहां हर सिंचाई के बाद क्लोरोपायरीफॉस कीटनाशी का प्रयोग कर देना चाहिए, क्योंकि यह सस्ता कीटनाशी भी है। आपका कोई भी सुझाव या जानकारी सहृदय आमंत्रित है। कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।